टॉपिक है वो है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये एनाटॉमी का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस भी आती है, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। जब आप मेडिकल में जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा एनाटॉमी का, उसमें शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शोल्डर जॉइंट बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसमें आपको टाइप्स पढ़ना है, सब टाइप्स पढ़ना है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पढ़ना है, लिगामेंट्स पढ़ना है, मूवमेंट्स और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। यानी शोल्डर जॉइंट में कौन सा टाइप होता है, सब टाइप कौन सा होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन से हैं, लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या मूवमेंट होते हैं इसमें, कौन सा ब्लड सप्लाई होता है और नर्व सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे, कौन सा टाइप होता है, साइनोवियल जॉइंट का होता है ये। ठीक है, और इनके सब टाइप्स क्या हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप जान रहे हैं। अब जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो इसका मूवमेंट भी आपको पता होगा। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है, तो दो आर्टिकुलेट सरफेस होता है। जैसे आर्टिकुलेट सरफेस क्या होते हैं, जैसे ये बोन है एक, ठीक है, ये सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं। ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस, तो इस कौन कौन सा इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, पहला है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। जो आप स्कैपुला देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, उसका ग्लिनोइड कैविटी, जब आप स्कैपुला पढ़ेंगे तो उसमें कैविटी होगा। ठीक है, उसमें एक कैविटी का नाम होगा ग्लिनोइड कैविटी। तो कौन सा इसका पहला आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ग्लेनोइड कैविटी। और हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस आप जान रहे हैं हाथ का होता है, ये इस तरह का हैंड का जो बोन होता है वो होता है ह्यूमरस, उसका हेड। ठीक है, ये दोनों मिलके कौन सा आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाते हैं शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, अब आते हैं इसका लिगामेंट में। तो ये लिगामेंट कौन कौन सा होता है, पहला होता है फाइब्रस कैप्सूल। पहले तो जो भी साइनोवियल जॉइंट का हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला लिगामेंट तो फाइब्रस कैप्सूल होगा, जो भी जॉइंट हो। ठीक है, लेकिन साइनोवियल होना चाहिए। पहला लिगामेंट कौन सा होगा, फाइब्रस कैप्सूल। दूसरा होगा ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है, उसके बाद कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, एक्रोमियो ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये 6 लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको दिखाएंगे पिक्चर एक शोल्डर जॉइंट का, उसमें आपको लिगामेंट के बारे में ये पता चल जाएगा। जैसे एक जॉइंट है यहाँ पे हम बना रहे हैं, जैसे ये तरह का जॉइंट है, तो इस जॉइंट में जो ये इस तरह से लिगामेंट लगा हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, तो कौन कौन सा लिगामेंट लगा हुआ है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट में, ये 6 तरह का लिगामेंट, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिगामेंट दिया हुआ है और कुछ लिगामेंट यहाँ पे अलग भी दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने लिखवाया वही लिखना आपको। शोल्डर जॉइंट के हैं, बॉल एंड सॉकेट है तो कौन कौन सा मूवमेंट करेगा, फ्लेक्शन करेगा ये शोल्डर जॉइंट, एक्सटेंशन करेगा, अबडक्शन करेगा, एडक्शन, सर्कमडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। ठीक है, जब सर्कमडक्शन कर रहा है तो ये चारों तरफ मूवमेंट करेगा, ये इस तरह का मूवमेंट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मूव हो रहा है बॉडी, ये शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट है। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से एडक्शन अबडक्शन रोटेशन होती है, यहाँ पिक्चर में ब्लड सप्लाई होता है एक्सिलरी आर्टरी से और एक्सिलरी वेन से, ये दो चीज याद रखिएगा। नर्व कौन सा सप्लाई होगा, एक्सिलरी नर्व, ये दोनों बहुत ईजी है, एक्सिलरी और एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी नर्व। अब एक चीज मेन है जो यहाँ पे, वो क्या है, फैक्टर डैट कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी, यानी इसको स्टेबल करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला होता है रोटेटर कफ, कौन कौन सा होता है, रोटेटर कफ, ग्लिनोइड लैब्रम, ठीक है, और कुछ लिगामेंट्स होते हैं और बाइसेप टेंडन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, पहला रोटेटर कफ मसल, ग्लिनोइड लैब्रम, लिगामेंट्स एंड बाइसेप टेंडन, ये फैक्टर है जो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग अगर याद कर लें तो शोल्डर जॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इतना ही लिखना रहता है, इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो
हार्ड होगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी अगर 5 नंबर पाना है तो इतना आप अगर लिखिए और एक पिक्चर बना दीजिएगा, एक ठीक है स्ट्रक्चर बना देना है, जो कि आपको हम यहाँ पे दिखा देंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना है, और सारा उसमें लेबल्ड कर देना डायग्राम को, ठीक है। तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगी। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का आपको डायग्राम बनाना है नाम के साथ इसका, और बिल्कुल क्लियर बनाना है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे।